हाँ तो बच्चों, हमने जेई मेंस का पेपर सॉल्व किया था। अब बात करते हैं अपन जेई एडवांस के क्वेश्चंस के बारे में। देखते हैं, सबसे पहले आपको जब भी पेपर का सॉल्यूशन करना है बेटा एडवांस के लिए, एक खास राय है मेरी, इसका जरूर फॉलो करें आप। सबसे पहले आप सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी जो भी आपको दिया हुआ है उसको पहले पढ़ लें कि कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं, कौन सा सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है, कौन सा मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है या कौन सा इंटीजर का क्वेश्चन है। ये सारी एक बार सारी चीज कंफर्म कर लें। एक बार सारा जब आप पढ़ लोगे उसके बाद आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे, हैंडल कर पाओगे। ठीक है बेटा, तो देखते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन जी एडवांस के सॉल्यूशन के लिए। देखें बेटा क्वेश्चन नंबर वन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है बेटा सेक्शन ए के लिए, यहाँ लिखा हुआ है, देखें दिस सेक्शन कंटेन्स एट सिंगल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ आपको एट सिंगल चॉइस क्वेश्चंस गिवन है, 1 to 8, और 5 पैराग्राफ्स दे रखे हैं आपको इसमें। ठीक है, इन पैराग्राफ देयर आर टू क्वेश्चंस, एक पैराग्राफ में टू क्वेश्चंस हैं। ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है बेटा, एंड ओनली वन ऑफ दीज 4 ऑप्शंस इज करेक्ट, ओनली वन करेक्ट ऑप्शन मिलेगा आपको इसमें। ठीक है, यू विल बी अवार्डेड, आपको कितना दिया जाएगा, 3 मार्क्स एंड -1, नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर, -1। ठीक है, फॉर इनकरेक्ट आंसर। चलो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस करते हैं बेटा। इफ 13 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 18 मोल्स ऑफ फास्फोरस आर मिक्स्ड एंड अलाउड टू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 3H2 प्लस 2 फास्फोरस गिव्स 2 मोल्स ऑफ PH3, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिमेन व्हेन 8 मोल्स ऑफ PH3 आर प्रेजेंट इन द कंटेनर। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन के लिए इक्वेशन जो दे रखा है उसकी बैलेंसिंग देख लें। 2 मोल्स ऑफ फास्फोरस प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ PH3 गैस। ठीक है बेटा, इनिशियली फास्फोरस का कितना मोल्स दे रखा है, इनिशियली फास्फोरस का गिवन है 18 मोल्स, 18 मोल्स ऑफ फास्फोरस। ठीक है बेटा, एंड हाइड्रोजन आर 13 मोल्स। ठीक है, इनिशियली फास्फीन होगा 0, लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये डिकम्पोज होगा 18 माइनस 2x, ये डिकम्पोज होगा 13 माइनस 3x, और ये जो फॉस्फीन है ये बनेगा बेटा 2x के इक्वल। अब आपको क्वेश्चन में 2x यानी कि फॉस्फीन के मोल्स दे रखे हैं, 8 मोल्स ऑफ फॉस्फीन, तो यहां से 2x की वैल्यू दे रखी बेटा, 2x इक्वल टू 8, तो x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा बेटा 4। ये आपके पास x का वैल्यू आ चुका है। अब इस x की वैल्यू को पुट कर दे बेटा हाइड्रोजन के मोल्स के लिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने बचेंगे, तो बचेंगे कितने, 13 माइनस 3x, यहां से 13 माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी बेटा 4, पुट करेंगे तो ये 12 हो गया, 13 माइनस 12 इतना होगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिमेनिंग होगा, आंसर में भी 4। ठीक बेटा, पहले क्वेश्चन का आंसर 4 था। आगे चलते हैं बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए ह्यूमन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ए ड्यूडेनल अल्सर में शो ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेशन ऑफ 0.08 मोल पर लीटर इन इज गैस्ट्रिक जूस, इट इज पॉसिबल टू न्यूट्रलाइज दिस एसिड विद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विच रिएक्ट्स विद HCl अकॉर्डिंग टू द केमिकल रिएक्शन शोन बिलो। ठीक है बेटा, आपको इक्वेशन दे रखा है, AlOH का होल थ्राइस प्लस HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2। सबसे पहले बेटा इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे तो ये 3 क्लोरीन है, इधर भी 3 क्लोरीन कर दो और ये बैलेंस हो चुका है। अब देखते हैं आपको मोलरिटी ऑफ HCl कितना दे रखा है, 0.08 मोल पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में HCl कितना है, 0.08 मोल है, तो 1 लीटर में HCl के मोल कितने हैं, 1 लीटर में HCl के मोल 0.08 मोल। ठीक है, बट HCl का कितना ये एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रहण कितना कर रहा है, 3 लीटर जठर रस जिसमें HCl है ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो 3 लीटर में कितने HCl के मोल होंगे, 3 लीटर में होगा HCl 0.08 × 3, यहां से आपको ऑप्शन होगा 0.24 मोल्स ऑफ HCl, ये आपके पास HCl का मोल आ गया। तो देखने वाली बात ये है, रिएक्शन से देखेंगे स्टोइकोमेट्री से, तो 3 मोल्स ऑफ HCl रिएक्ट कर रहा है कितने के साथ, 1 मोल के साथ, तो 0.24 मोल HCl कितने के साथ रिएक्ट करेगा, वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स के बराबर होगा। देखो बेटा स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन से 3 मोल्स ऑफ HCl रिएक्ट कर रहा है 1 मोल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, AlOH का होल थ्राइस के साथ, तो 1 मोल HCl कंबाइंड होगा 1/3 के साथ, और अपने पास कितना HCl का मोल है बेटा 0.24, तो 0.24 मोल HCl कितने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा होगा, क्या करें, 1/3 × 0.24 इट मींस 0.08,
0.08 मोल HCl, सॉरी 0.08 मोल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज में आ रहा है। तो हमसे तो मास पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिकुलर वेट कितना होगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिकुलर वेट होगा 78 ग्राम। तो 78 को मल्टीप्लाई कर दो 0.08 मोल्स से, 0.08 इंटू 78, यहां से आपको अमाउंट ऑब्टेन हो जाएगा जो कि मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है बेटा 6.2 ग्राम। आंसर विल बी फर्स्ट, सेकंड क्वेश्चन के लिए आंसर आ गया फर्स्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। वन कमर्शियल सिस्टम रिमूव्स SO2 इमिशन फ्रॉम स्मोक एट 95 डिग्री सेल्सियस बाय द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है बेटा, रिएक्शंस दे रखा है, SO2 गैस Cl2 के साथ कंबाइंड हुआ है, क्या फॉर्म कर रहा है? SO2Cl2, SO2Cl2 फर्दर वाटर के साथ H2SO4 और H2SO4 कंबाइंड हुआ है CaOH का ऑल्टोएस के साथ, क्या बना रहा है? कैल्शियम सल्फेट। अब काम की बात यह है, आपसे पूछ क्या रहा है, एफिशिएंसी दे रखी है 95%, आपको रिएक्शन की जो दक्षता है एफिशिएंसी है 95% दे रखा है, और 100 ग्राम SO2 से कितना CaSO4 बनेगा ये पूछा है। तो इनिशियली SO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 64 ग्राम वन मोल के लिए। तो 64 ग्राम SO2 कितना कैल्शियम सल्फेट बना रहा है? 40 + 96 यानी कि 136 ग्राम CaSO4 प्राप्त हुआ है। यहां से 1 ग्राम SO2 से कितना बनेगा? 136/64 बनेगा, और हमसे कितने के लिए पूछा है? 100 ग्राम के लिए। तो 100 ग्राम SO2 कितना बनेगा? मल्टीप्लाई कर दो बेटा 100 से, यहां से CaSO4 का मास आ जाएगा, CaSO4 का मास, बट कब? जब एफिशिएंसी कितनी है? 100%, बट हमको एफिशिएंसी दे रखी 95%, क्या करेंगे? 95/100 से मल्टीप्लाई कर दो, 95% आपको मास निकालना है। तो यहां से आप कैलकुलेशन करें तो आंसर ऑप्टेन होगा 202 ग्राम, 202 ग्राम, इट मींस आंसर बिकम्स थर्ड। आगे चलते हैं बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो NaOH प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, ठीक है, ये था रिएक्शन। अब NaOH की नॉर्मलिटी है x, वॉल्यूम कितना है V1, प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मलिटी है y, वॉल्यूम कितना है V2, इज इक्वल टू दी HCl की नॉर्मलिटी दे रखी 0.1, वॉल्यूम कितना है 100, ठीक है। अब V1 और V2 का रेशियो दे रखा है, तो V1/V2 कितना है? 4:1, सॉरी 1:4। तो यहां से V2 की जो वैल्यू होगी वो 4V1 के इक्वल होगी, तो ये V2 की वैल्यू पुट कर दें आप, V2 की वैल्यू पुट कर दें या फिर V1 की वैल्यू पुट कर दें। V1 की अगर वैल्यू लिखेंगे तो ये आपको V2/4 के इक्वल मिलेगा, यहां से V1 का जो वैल्यू है V1, ये V2/4 के इक्वल मिलेगा, तो V1 की वैल्यू पुट कर दूं मैं यहां पे, ये हो जाएगा x into V2/4 प्लस y into V2 which is equal to, ये कितना रहा है? 10 मिलीक्यूलेंट्स आ रहा है। यहां से आप इस y into V2 की वैल्यू फाइंड कर लें जो कि बेरियम हाइड्रोक्साइड के ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे, यानी कि अमाउंट होगी। तो यहां से y into V2 की जो वैल्यू है वो ऑब्टेन हो जाएगी आपको, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको, एक्स रेशो वाई आपको दे रखा है क्वेश्चन में, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको V2 निकालना है और आपको V2 पता ही है और V2/4 ये करना है, 10 उधर दिया हुआ है और हमें क्या पूछ रहा है? केवल Y into V2, इस इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड से दोनों से हेल्प लेंगे और हमें Y V2 की वैल्यू निकालनी है, ये आपको 5 ऑप्टेन होगी। तो 5 तो आ गया ये, और टोटल कितना है HCl? 10 मिलीक्यूलेंट, तो परसेंटेज आ जाएगा 5/10 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5, ये आपका आंसर आना चाहिए, आंसर होना चाहिए 0.5, ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पैराग्राफ का है, पैसेज का क्वेश्चन है, देखते हैं बेटा। तो पैसेज में आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं इच पैसेज में, और सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, और देखते हैं सिंगल चॉइस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, पहले पैसेज पढ़ लेंगे एक बार, और पैसेज को पढ़ने के बाद अपन क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, देखते हैं क्या क्वेश्चन है।
वेपर डेंसिटी क्या दे रखा है, वेपर डेंसिटी, ठीक है बेटा, तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैसेस मिक्सचर कंटेनिंग ओनली आर्गन एंड N2O4 गैसेस इज 40, व्हेन द मिक्सचर इज लेफ्ट फॉर सम टाइम द वेपर डेंसिटी डिक्रीज्ड एंड फाइनली बिकम्स 37.5, इट हैपेंड ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ सम N2O4 इनटू NO2, एटॉमिक मास ऑफ आर्गन दे रखा है 40, ठीक है बेटा। तो ये एवरेज एटॉमिक मास से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, तो एवरेज एटॉमिक मास से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4, N2O4 के डिसोसिएशन के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, कितना अमाउंट डिसोसिएट हो चुका है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले एम एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे और इन दोनों की परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो एम एवरेज इक्वल टू दी M1 यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ फर्स्ट, X1 परसेंटेज वन है, M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन X1 प्लस X2, ठीक है। तो एक को तो X मान लेंगे, दूसरे को 100 माइनस X मान लेंगे, तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना हो रहा है बेटा, वेपर डेंसिटी कितना है 40, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 2 इनटू वेपर डेंसिटी, यानी कि 80 हो जाएगा फर्स्ट इनिशियली मॉलिक्यूलर मास। तो वैल्यू पुट कर दें, 80 इक्वल टू दी आर्गन के लिए एटम मास कितना है 40, इसको x मान लें, प्लस m2 n2 o4 जिसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 96 इनटू ये हो जाएगा 100 माइनस x अपॉन टोटल, अगर परसेंटेज बात करें तो x प्लस 100 माइनस x, यहां से कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू जो आएगी वही आपको परसेंटेज ऑफ आर्गन की इक्वल मिलेगी, ये आपको आर्गन की परसेंटेज आ जाएगी। तो यहां सॉल्व करेंगे तो 300/13 ऐसा कुछ ऑप्शन हुआ है, कैलकुलेट कर लें आर्गन के लिए, और N2O4 कितना बचेगा 100 माइनस x, यानी कि 100 माइनस 300/13 करेंगे तो ये हो जाएगा 1000/13, ये दोनों के इनिशियल मोल्स आ चुके हैं बेटा, इनिशियल परसेंटेज अबंडेंस आ चुका है 300/13 और एक आ रहा है 1000/13, तो रेशियो निकाल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछा हुआ है आपसे, रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो करेंगे आर्गन रेशियो N2O4, आर्गन रेशियो N2O4 300/13 रेशियो 1000/13, 13 से 13, 0 से 0 खत्म, तो आंसर जाना चाहिए 3:10, ये आपको 10th क्वेश्चन का आंसर मिल रहा होगा इनिशियल मोल्स के रेस्पेक्ट में 3:10, तो 3:10 इज द आंसर ऑफ 10th क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज और पैराग्राफ, ठीक है। इनिशियल मोल्स x की वैल्यू निकाल ली थी मैंने आर्गन के लिए, कितना था 300/13, और 100 माइनस x करने पर N2O4 कितना मिल रहा है 1000/13, और दोनों का रेशियो कर दो तो रेशियो मिलेगा 3:10 या 3:10 कह सकता हूं, 3:10 इज द आंसर फॉर 10th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखें, इसमें आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो उसके लिए चेक करते हैं N2O4 किस तरह डिकम्पोज होगा। तो N2O4 को डिकम्पोज जब करेंगे तो N2O4 डिकम्पोज होकर बनेगा 2 moles of NO2 गैस। इनिशियली सपोज करो ये स्मॉल a मोल था, ये कंप्लीटली डिकम्पोज होगा, N2O4 टूट जाएगा पूरा और बदल जाएगा किसमें, 2a में चला जाएगा, यानी कि डिसोसिएशन कितने का हो रहा है, a का हो रहा है, टूट कितना रहा है, a टूट भी जा रहा है। तो N2O4 इनिशियली कितना था वहां पे 1000/13 था, तो वापस से वेपर डेंसिटी कितना रहा था 37.5, तो अब मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया होगा वही फॉर्मूला वापस लाएंगे, तो 37.5 इनटू 2 करेंगे तो 75 है, 75 इज इक्वल टू दी M1 यानी कि मॉलिक्यूलर मास, अब कौन है मिक्सचर में, आर्गन नहीं है, कौन रिएक्ट कर रहा है केवल N2O4, तो 96 इनटू इनिशियली N2O4 कितना था 1000/13, डिसोसिएट कितना हो रहा है a के बराबर, प्लस NO2 कितना है 46 मॉलिक्यूलर वेट होगा और 2a बन रहा है, बन कितना रहा है 2a के इक्वल, ठीक है, अपॉन टोटल ये कितना आएगा, ये तो है कितना 1000/13 - a और ये कितना है प्लस कर दो 2a, ये आपको यहां से ऑप्टेन होगा। तो यहां से आप स्मॉल a की वैल्यू निकाल लें जो कि डिसोसिएट मोल्स आ जाएगा, स्मॉल a की जो वैल्यू आ रही है 20/3 आ रही है, ये क्या आ गया डिसोसिएट N2O4 आ गया, अब डिसोसिएट N2O4 20/3 आ रहा है और टोटल N2O4 कितना है 1000/13, तो यहां से परसेंटेज डिसोसिएशन निकाल लें
क्या होता है x इक्वल टू एल्फा, एल्फा निकालना तो क्या करेंगे एल्फा इक्वल टू x बाई ए, और x कितना था, x की वैल्यू डिसोसिएट कितनी हो रही है 20 बाई 3 अपॉन इनिशियल कितना था n टू 4 1000 अपॉन 13, यहां से कैलकुलेट करें तो यहां से आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिलेगा 0.0867%, ये आपका आंसर होना चाहिए। आंसर इज फर्स्ट और नाइन्थ क्वेश्चन। आगे चले, 10th अपन ने सोल्व किया था, अभी 3:10 आ रहा था, 2 आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते, पैसेज नंबर 2 है, पैराग्राफ 2 का क्वेश्चन है। फर्स्ट देखो, सम अमाउंट ऑफ 20 वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा है 20 वॉल्यूम, H2O2 इज मिक्स्ड विद एक्सेस ऑफ एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ Ki, द आयोडीन सॉल्युबिलिटी रिक्वायर्ड 200 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है बेटा, पूछ क्या रहा है, द फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन पूछा हुआ है, तो कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 को इक्वल कर दें आप डायरेक्ट ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट के, Na2H2O3 की। ठीक है, अब H2O2 के लिए 20 वॉल्यूम दे रखा है, तो नॉर्मलिटी पहले नॉर्मलिटी निकाल लेंगे H2O2 के लिए, तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू दी सोडियम थायोसल्फेट के लिए नॉर्मलिटी दे रखी है 0.1, और वॉल्यूम कितना दे रखा है सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के लिए 200 ml, तो यहां लिखते हैं 200 ml। ठीक है बेटा, अब नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी 20/5.6, नॉर्मलिटी इक्वल टू x/5.6 है, तो 20/5.6 इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, यहां से आ जाएगा नॉर्मलिटी दे रखी 0.1 और वॉल्यूम 20 × 100 ml, यहां से आपको जो वॉल्यूम आएगा यही आपका आंसर है। ठीक बेटा, आगे चलते हैं, ये BML आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पैसेज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, द मास ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट नीडेड टू ऑक्सीडाइज अबव वॉल्यूम ऑफ H2O सॉल्यूशन। ठीक है, अबव वॉल्यूम, जो वॉल्यूम अभी आया था उसको ऑक्सीडाइज करना है, तो क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 इज इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है बेटा, तो मास पूछ रहा है, तो W upon E करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए, और पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में +3 में जाता है, तो चेंज होना चाहिए बेटा, इसका वैलेंस पैटर्न होगा यहां पर 6, K2Cr2O7 के लिए वैलेंस पैटर्न होगा 6, क्योंकि 12 से 6 जाएगा 2 एटम्स ऑफ क्रोमियम के लिए। तो नॉर्मलिटी अभी निकाली थी अपन ने 20/5.6, वॉल्यूम निकाल चुका अभी फर्स्ट पिछले क्वेश्चन में VML, और यहां से W कैलकुलेट करना मास, और पोटेशियम डाइक्रोमेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 294 अपॉन वैलेंस फैक्टर कितना है 6, तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर से क्या आ गया इक्विवेलेंट मास, यहां से डब्ल्यू निकाल ले वही आपका आंसर है, मास जो कैलकुलेट करेंगे वही आपका आंसर होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट के मास के लिए। आगे चलें, ये ऑर्गेनिक का है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज 5 पैराग्राफ 5 मूल कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन है, ए कंपाउंड विच कंटेन्स 1 एटम ऑफ x एंड 2 एटम्स ऑफ y फॉर ईच 3 एटम्स ऑफ z। ठीक है, तो 1 एटम ऑफ x है, 2 एटम्स ऑफ y और 3 एटम्स ऑफ z है, तो फॉर्मूला बनना चाहिए xy2z3, इस तरह का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा कंपाउंड का। अब 5 ग्राम ऑफ x इतने एटम्स दे रखे और इतने ग्राम एटम्स का मतलब क्या है मोल्स ऑफ z, it is observed that only 4.40 gram of the compound results, the atomic mass of x and z are 60 and 80, ठीक है, respectively, तो x और z की atomic mass आपको दे रखे हैं, y का atom mass नहीं दिया हुआ है, जो कि अपने को पहले calculate करना पड़ेगा, ठीक है, और compound का mass पता ही अपने को 4.40 gram बन रहा है, तो x और जेड के एटम मास पता है, तो वाई के एटम मास निकाल ले सबसे पहले, तो वाई के एटम्स कितने बेटा 1.15 × 10³, ठीक है, अब
एक्स के 5 ग्राम वाई के 4.40 ग्राम वाई के 1.15 इंटू 10^23 एटम्स और जेड के 0.03 ग्राम एटम्स मतलब मोल्स को मिक्स किया हुआ है तो 4.40 ग्राम बन रहा है यहां पर। तो एक्स तथा जेड का एटम मास आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले एटम मास ऑफ वाई निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन के लिए मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा अपने को कंपाउंड एक्स वाई टू जेड थ्री के लिए। तो इक्वेशन बना ले, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड गिव्स एक्स वाई टू जेड थ्री। यहां से लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से पहले एक्स वाई टू जेड थ्री के मूल्स निकालेंगे। तो एक्स कितना है 5 ग्राम और एटम मास दे रखा है एक्स का 60 मोल्स बना ले। यहां वाई कितना है, नंबर ऑफ एटम्स दे रखी है 1.15 इंटू 10^23 एन ए से डिवाइड कर दें 6 इंटू 10^23 से, यहां से मोल्स बन जाएगा। और जेड के लिए क्या दे रखा है 0.03 ग्राम एटम्स मतलब मोल्स ही दे रखा है 0.03। ठीक है, और इनिशियल ये कितना होगा 0, डिसोसिएट कर दें सबको। ये 1/12 है तो 1/12 माइनस एक्स ये कितना बनेगा, इसको डिकम्पोज कर दें -2x और इसको डिकम्पोज कर दें 0.03 -3x। यहां से LR निकाल लेंगे बेटा और लिमिटिंग रीजन निकालते ही x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और जो LR x की वैल्यू आएगी वो यहां पर पुट करेंगे। तो ये जो कंपाउंड होगा वो कितना बनेगा, यहां पे स्टोइकोमेट्री बने ना तो x इक्वल बनेगा, तो x इक्वल जो बनेगा वही क्या होगा, लिमिटिंग रीजन का जो वैल्यू हो रहा है जो LR है वही इसके मोल्स मिल जाएंगे बेटा। तो जैसे इसके मोल्स का मास पता लगेगा, इसके मोल्स का मास दे रखा है आपको 4.4 ग्राम, जितने मोल्स आपको मिल रहे हैं एक्स, एक्स का मास कितना है 4.4 ग्राम, तो 1 मोल का मास निकाल लेंगे बेटा। 1 मोल का जो मास होगा वो 4.4 को डिवाइड कर देना बेटा एक्स से, यहां से मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा कंपाउंड का। और जैसे ही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट आएगा तो सारे एटम्स के एटम मास से तो जोड़ देंगे। एक्स का दे रखा है 60 प्लस 2y, y का निकालना है और z का 3 इंटू जेड का दे रखा है 80 और विच इज इक्वल टू क्या कर देंगे, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल लिख देंगे जो कि अपन ने अभी x के हेल्प से निकाला है, यहां से फाइंड किया है। जैसे पुट करेंगे तो यहां से y की जो वैल्यू आ रही है, ये जो y आएगा यही क्या होगा एटम मास ऑफ y ऑप्टेन हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे चले, ये था y का एटम मास। नेक्स्ट, हाउ मेनी ग्राम ऑफ y इज लेफ्ट अनकंबाइंड। तो ये भी LR का क्वेश्चन है, अभी अपन ने रिएक्शन लिखा था, क्या रिएक्शन था, x प्लस 2y प्लस 3z, क्या बना रहा है एक्स वाई टू जेड थ्री। तो इसके मोल्स अपन निकाल चुके थे अभी x की वैल्यू, इसके मोल्स दे रखे 5/60 यानी 1/12, इसके मोल्स एटम्स के नंबर से निकाले थे अपन ने एन ए से डिवाइड करके और माइनस 2x किया था। तो यहां पे कितने बचेंगे, x की वैल्यू पुट कर दो, यहां पे आपने जो x निकाला LR उस x की वैल्यू पुट करेंगे और इसमें से ये आपको जो मिलेगा x की वैल्यू पुट करते ही जो मिलेगा माइनस करने पर वही क्या होगा, रिमेनिंग अमाउंट होगा मोल्स की नंबर होगी और जो मोल्स आएगा उसको y के एटम मास से मल्टीप्लाई कर देगा बेटा, जो आपने अभी सॉल्व करके निकाला था। तो y इंटू मोल्स अनकंबाइंड ये मल्टीप्लाई कर देना बचे हुए मोल्स को, ये आपका आंसर है। आगे चले सेक्शन बी पे आ जाओ, जिसमें आप देख रहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से 1 और मोर देन 1 का आंसर है यहां पर। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखें, ये सेक्शन बी जिसमें आपको मोर देन वन आंसर से बेटा सारे ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको एक से ज्यादा करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा मल्टीपल चॉइस का। 1.12 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी 1 ATM 0 डिग्री सेल्सियस वेज 1.4 ग्राम द गैस मे बी। ठीक है बेटा, तो सॉल्व करेंगे इसको। 1.1 लीटर का मास दे रखा है, 1.12 लीटर का मास कितना दे रखा है 1.4 ग्राम, तो हमें 22.4 लीटर का मास चाहिए जो कि मॉलिक्यूलर वेट की इक्वल होगा। तो 1 लीटर का कितना हो जाएगा 1.4 अपॉन 1.12, तो 22.4 लीटर का कितना होगा, 22.4 लीटर्स हैव 1.4 अपॉन 1.12 इनटू 22.4 कर दो, यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 28 आ रहा है मॉलिक्यूलर वेट, इतना रहा है 28। अब चेक करें किस किस ऑप्शन में मॉलिक्यूलर वेट 28 मिल रहा है। फर्स्ट में देखें N2O 44 के करीब आएगा, NO2 46 आएगा, यहां देखें N2 का 14+14 28 आ रहा है, CO को देखें 12+16 28 आ रहा है। तो आंसर्स आर थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चले,
क्वेश्चन नंबर टू, वन मोल ऑफ नाइट्राइड आयन दे रखा है, 7 नाइट्रोजन माइनस 3 चार्ज है, 14 एटम मास है, कंटेन्स, ठीक है, वन मोल में पूछा हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स तो होना चाहिए बेटा, 7 तो पहले से था, 3 एक्सेप्ट कर लिया, तो 10 इंटू एन ए और मोल कितना है 1, तो 10 एन ए आना चाहिए था इलेक्ट्रॉन्स, ये गलत हो गया। दूसरा देखें प्रोटॉन, एटमिक नंबर कितना है 7, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 7, क्योंकि प्रोटॉन ना तो एक्सेप्ट करता है ना ही रिलीज करता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा नाइट्रोजन में 7, 1 मोल है तो एन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 मोल कितने मोल की मल्टीप्लाई करो, मोल से 1 मोल से, तो सेकंड इज करेक्ट। थर्ड न्यूट्रॉन, तो एटम मास 14 है, एटम नंबर 7 है, तो यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा 7, न्यूट्रॉन्स भी 7 आ रहा है, तो 7 इंटू 1 मोल के लिए एन ए से मल्टीप्लाई करो और मोल कितना है 1, तो यहां से भी आंसर आएगा 7 एन ए, यानी कि ये भी करेक्ट है, तो 2 एंड 3 आर करेक्ट, बट 14 एन ए प्रोटॉन ये गलत हो गया, प्रोटॉन कितना था 7 एन ए की, तो आंसर आर 2 एंड 3, तो आंसर्स आर सेकंड एंड थर्ड आर आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। 1 एएमयू स्केल एटम मास ऑफ कैल्शियम इज 40, ठीक है, इफ 1 यूनिट इज रीडिफाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी करेक्ट, 1 यूनिट को डिफाइन कर रहा है, वापस से डिफाइन कर रहा है, तो क्या होगा, क्या क्या चेंज देखने मिलेगा देखते हैं। जनरली एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या लिखते हैं अपन कॉपी में, मास ऑफ वन एलिमेंट, यानी कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, जैसे मान चलो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखा है 20, तो लिखेंगे क्या 20 अपॉन एन ए अपॉन मास ऑफ कार्बन एटम वन एटम 12 अपॉन एन ए, और कितना लेते हैं 1/12, जनरली कितना लेते हैं 1/12, तो Na से Na खत्म होता है, 12 से 12 खत्म होता है, ठीक है, तो यहां से बचता कितना है 20, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन सही है, 20 आ रहा है, ठीक है, और बट कब 20 कब आता, जब ये 1/12 होता, बट अभी क्या कर रहा है, हाफ कर दिया इसने 1/6, ठीक है, जब 1/12 लेते डेफिनेशन से तब तो ये 40 लिया जाता है, तब तो क्या ले जाता है 40, बट अब क्या ले रहा है 20, तो 20 लेगा तो हाफ हो जाएगा, हाफ होगा तो यहां पे 1/12 की प्लेस पे क्या करेंगे 1/6 करेंगे, तो ये हो जाएगा एटम मास इक्वल टू दी 40 अपॉन एन ए अपॉन ये हो जाएगा 12 अपॉन एन ए वन एटम ऑफ कार्बन के लिए, और इसको कर रहा 1/6, तो 6 से ये 2 टाइम कैंसिल होगा, एन ए से एन ए खत्म होगा, देखो 2 से 40 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 20 यूनिट्स आ जाएगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ है। इस तरह से सॉल्व करेंगे 1/6 मानने के लिए 1/6 लेंगे तो कितना रहा है एटम मास 40। सेकंड ऑप्शन देखें एटम मास 60 हो जाएगा, कब, जब कार्बन परमाणु का कितना ले रहा है 1/50 ले रहा है एटम का, तो यहां पे वही ऑप्शन में वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जनरली एटम मास कितना था 40 अपॉन Na वन एटम के लिए, करना क्या है 12 अपॉन Na इनटू 1/15 कर दो, यहां से देख लो 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, Na से Na घटाओ, ये 3 से 4 टाइम, ये 3 से 5 टाइम्स, कितना बच रहा है 4/5, 5 को ऊपर ले जाओ 4 से 10 टाइम्स ही कर जाएगा, बचेगा कितना 5 जाएगा, तो 50 आना चाहिए, बट आ कितना रहा है 60 आ रहा है, तो आ तो 60 रहा है, आना चाहिए 50, इसलिए सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड देखो कैल्शियम का परमाणु भार यानी एटम मास कितना है 70, कब, जब 1 यूनिट इज डिफाइंड एज 1/21, सेम वही फॉर्मूले वैल्यू पुट करें और चेक कर लें, देखेंगे इसको भी, और सेम इसी तरीके से फॉर्मूले वैल्यू पुट करके आप इन सबको चेक करते जाएं और आंसर आपको ओपन होगा, सेम फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है आपको, कुछ नहीं करना है इसमें। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेरियस कंसंट्रेशन यूनिट्स इज करेक्ट, तो भिन्न भिन्न सांद्रता इकाइयों के संदर्भ में कौन सा या कौन सी कथन सही है, पूछ रहा है, पहला ऑप्शन पढ़ेंगे बेटा, फर्स्ट कह रहा है मोलरिटी ऑफ ए प्योर लिक्विड चेंजेस विद टेम्परेचर, मोलरिटी कह रहा है, तो मोलरिटी के फॉर्मूले में वैल्यू, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मोलरिटी डिक्रीज करेगी, आप वॉल्यूम बढ़ा दो, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोलरिटी डिक्रीज करेगी, तो चेंज होगी बेटा, परिवर्तित होती, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड देखें, मोलरिटी ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, गलत बात है, टेम्परेचर के साथ मोलरिटी चेंज होती है, फॉर्मूले वैल्यू क्या आ रही है, वॉल्यूम आ रहा है,
इसलिए। थर्ड कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन टेंपरेचर, बिल्कुल सही है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, जिसमें एन ए क्या है मोल्स है, जो कि मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होगा, और ये भी क्या है मोल्स है, तो मोल्स में मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मतलब मोल ही मोल आ रहा है, वॉल्यूम कहीं नहीं है, वॉल्यूम नहीं है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए ये सही है। फोर्थ देखें, मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज चेंज्ड ऑन चेंजिंग टेंपरेचर, मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज चेंज्ड ऑन चेंजिंग टेंपरेचर, सॉरी मोलरिटी कह रहा है, मोललता, मोलरिटी की बात कर रहा है, तो ये टेंपरेचर पर डिपेंड नहीं करता बेटा, ये भी गलत है, क्योंकि स्मॉल एम मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो यहां मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम लेते हैं, तो मास आ रहा है, वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। देन आंसर्स आर ओनली 1 एंड 3। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5, 1 ग्राम एटम, ग्राम एटम मींस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिप्रेजेंट, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन किसको रिप्रेजेंट करता है, N2 मॉलिक्यूल्स 6.02 × 10⁻²³ को, तो ग्राम एटम्स अपॉन एटोमाइसिटी इज इक्वल टू द ग्राम मॉलिक्यूल, ये ग्राम मॉलिक्यूल बनाने का फॉर्मूला है, तो ग्राम एटम्स कितने हैं 1, नाइट्रोजन N2 की ये एटोमाइसिटी 2 है नंबर ऑफ एटम्स, और ग्राम मॉलिक्यूल निकाल लें तो 1/2 आना चाहिए, ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूल आ रहे 1/2, और 1/2 आ रहा है इसका मतलब 1/2 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.02 × 10⁻²³ से मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ हो जाएंगे बेटा, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, इनकरेक्ट। सेकंड देखें, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 1 ग्राम, बिल्कुल सही बात है, 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन मतलब क्या है एन, और एन का एटम मास कितना होगा 14 ग्राम, सेकंड इज करेक्ट। थर्ड देखें, 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 180 and 273 Kelvin टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक है, एनटीपी कंडीशन है, और एनटीपी कंडीशन में 11.2 upon 22.4 लीटर करेंगे तो कितना आएगा, हाफ ग्राम मॉलिक्यूल आएगा, हाफ ग्राम मॉलिक्यूल मीन्स 1 ग्राम एटम, हाफ ग्राम मॉलिक्यूल मीन्स 1 ग्राम एटम, तो ये भी सही हो गया है, और लास्ट 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गलत है, तो आंसर आर ओनली 2 and 3, 2 and 3 करेक्ट आंसर। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 6.3 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड H2C2O.XH2 इज मेड अप टू 250 ml, ठीक है बेटा, टोटल वॉल्यूम दिया है 250 ml, द 40 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH वाज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ द अबव प्रिपेयर्ड स्टोक्स सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है NaOH, ठीक है बेटा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ग्राम यूनिट्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इक्वल कर दो बेटा ग्राम यूनिट्स ऑफ NaOH के, और सारे ऑप्शंस चेक करते जाओ, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, एसिड बेस का रिएक्शन है, ठीक है, मास दे रखा है 6.3 अपॉन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड 2 होगा, विच इज इक्वल टू द नॉर्मलिटी ऑफ NaOH, कितनी रखे 0.1, वॉल्यूम कितना NaOH का 40 ml, और ml को लीटर में कन्वर्ट कर लो, 1000 से डिवाइड करो, यहां से मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा और इक्विवेलेंट मास भी प्राप्त हो जाएगा अपने को, तो एसिड इज डाइहाइड्रेट मतलब वाटर की मॉलिक्यूल 2 है, तो मॉलिक्यूलर वेट को कैसे लिख सकते हो आप, 6.3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को लिख सकते हो, यहां तक का मॉलिक्यूलर वेट काउंट करेंगे तो 90 आएगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल को x और एक वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होता है 18, यहां से मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करके इसको इक्वल पुट कर दो, और यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लें, वही आपको नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा बेटा, 2 वाटर मॉलिक्यूल होगा, ये आप यहां से चेक कर लें, ठीक है। फिर कह रहे हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रेटेड एसिड, जैसे ही आपको मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा तो यहां से मॉलिक्यूलर वेट को वैलेंस फैक्टर 2 से डिवाइड कर दें, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर कितना है 2, बस आंसर आ गया इक्विवेलेंट मास का। थर्ड ऑप्शन क्या है, हाइड्रेटेड एसिड का अलग है और इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनहाइड्रेस एसिड अलग है, ठीक है, तो एनहाइड्रेस का तो सही होगा पर हाइड्रेटेड का 63 आना चाहिए, ये गलत होगा। फिर कह रहा फोर्थ में 20 ml ऑफ द सेम स्टॉक सॉल्यूशन वाज वुड रिक्वायर
40 मिल ऑफ 0.1 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसी सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, ऑक्सैलिक एसिड की नॉर्मलिटी निकाल लेंगे। पहले मास दे रखा है, इक्विवेलेंट मास पता है, तो नॉर्मलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला लगा दो, मास 6.3 अपॉन इक्विवेलेंट मास 63, और वॉल्यूम दे रखा है 20 ml, लीटर में कन्वर्ट कर लेना 1000 से मल्टीप्लाई करके, यहां से नॉर्मलिटी आ जाएगी। नहीं, वॉल्यूम लेना पड़ेगा आपको 250 ml इनिशियल वॉल्यूम नॉर्मलिटी के लिए, नॉर्मलिटी 250 ml से निकालेंगे। देन क्या करेंगे, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम 20 ml व्हिच इज इक्वल टू 0.1 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मोलरिटी है तो वैलेंस फैक्टर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 2 लेंगे, और वॉल्यूम कितना है 40 मिलीलीटर। यहां से आपको नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल टू दी, ये आपको चेक करना है इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर इक्वल आता है तो सही हो जाएगा, और इक्वल नहीं आ रहा है तो गलत हो जाएगा, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी कोई एसिड बेस का ही क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहा है, 1.25 ग्राम ऑफ एन एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 1.2 ग्राम ऑफ एसिड, 1.25 ग्राम है, न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है, 25 ml ऑफ 0.25 m बेरियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो वही ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस कर दिया, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मास दे रखा है 1.25 अपॉन इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं, और मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको एसिड का वैलेंस फैक्टर निकालना पड़ेगा यहां से इक्विवेलेंट मास के लिए। तो 1.25 अपॉन ई, डब्ल्यू अपॉन ई हो गया, इधर वेरियम हाइड्रोक्साइड की मोलरिटी 0.25 है, वैलेंस फैक्टर कितना होगा 2, और वॉल्यूम कितना है वेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के लिए 25 मिलीलीटर, वॉल्यूम पुट कर दो 25 मिलीलीटर, और एमएल को लीटर में कन्वर्ट कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इधर मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, मोलरिटी देखिए 0.5, वैलेंस फैक्टर वेरियम हाइड्रोक्साइड का 2 OH रिलीज करेंगे इसलिए 2, वॉल्यूम 25 ml, ml को लीटर में बदल देंगे, 1000 से डिवाइड, यहां से इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, ठीक है। और अम्ल की डायबेसिक है या मोनोबेसिक है ये डिपेंड करेगा मोलिकुलर वेट पर, यहां से जो इक्विवेलेंट मास निकाला है इस इक्विवेलेंट मास की हेल्प से हम निकालेंगे मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर करके, वैलेंस फैक्टर निकालते जाएंगे और आंसर आता जाएगा, मोलिकुलर वेट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन ऑप्शन से मोलिकुलर वेट पुट करके आप सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा, इसी तरह से सॉल्व होगा सारा क्वेश्चन। आगे चले क्वेश्चन नंबर 13, ओलियम की स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखें, ए बोटल ऑफ ओलियम इज लेबल्ड 109%, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और ट्रू। ओलियम की बोतल पर 109% अंकित है, निम्न से कौन सा या कौन से कथन सही है, ठीक है बेटा। फर्स्ट में क्या कह रहा है, 1 ग्राम ऑफ दिस ओलियम वुड रिक्वायर 44.50 ml ऑफ 1.0 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ओलियम जो कि H2S2O7 है, एसिड है ये, इज इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH करते हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 ग्राम, या डायरेक्ट चाहे तो मास अपॉन इक्विवेलेंट मास भी कर सकते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर, H2S2O7 के लिए वैलेंस फैक्टर 2 आएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे ऐड करके इसको, 194 के करीब आएगा, तो मास निकालना है मुझे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर 2H प्लस रिलीज करेगा, इधर नॉर्मलिटी दे रखी 1, वॉल्यूम दे रखा 44.5, लीटर में कन्वर्ट कर लें 1000 से डिवाइड कर दें, यहां से W निकाल लें, अगर 1 ग्राम आता है तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, डिपेंड करता है मास कितना आ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट आप चेक कर लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है H2S2O7 ओलियम का, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है ऐड करके। फिर इट हैज 40% फ्री SO3, तो परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इक्वल टू 80 अपॉन 18 इनटू y, प्रिंटेड अमाउंट कितनी है 109 माइनस 100, तो कैलकुलेट करेंगे तो 80 अपॉन 18 इनटू कितना बचेगा 9, सॉल्व करो 2 टाइम्स और 40, आंसर आ रहा 40%, यानी कि सही है बिल्कुल, SO3 की परसेंटेज कितनी आ रही है 40%, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड कह रहा है इट इज 9% बाय वेट फ्री SO3, गलत बात है, 9% वाटर होगा, SO3 नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है 0.5 ग्राम ऑफ दिस ओलियम वुड रिक्वायर 11.125 ml ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वही सेम है फर्स्ट ऑप्शन जो मैंने सॉल्व किया था, ग्राम इक्विवेलेंट्स को इक्वल करके सॉल्व करेंगे आप, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, इजी क्वेश्चन है।
आगे चलें और देखें फिजिकल का लास्ट सेक्शन डी की बात करेंगे अपन। इंटीजर के क्वेश्चन आ चुके हैं, सेक्शन ए सॉल्व कर चुके हैं, सेक्शन बी सॉल्व कर चुके हैं और लास्ट सेक्शन डी जिसमें इंटीजर्स दिए हुए हैं इनको भी अपन एक बार देख लेते हैं, हल्का सा हिंट देखते हैं इसके बारे में। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आयरन हैज मॉलिक्यूलर मास 2800 एंड इट कंटेन्स 8% ऑफ आयरन बाय वेट। ठीक है बेटा, द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज, तो परसेंटेज कंपोजिशन का क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट अप्लाई कर दें। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू दी एक्स इनटू एटॉमिक मास, तो एटम मास ऑफ आयरन कितना होता है 56 अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना है 2800 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें, परसेंटेज दे रखी है आपको 8%। ठीक है बेटा, यहां से कैलकुलेशन करेंगे, खत्म खत्म 28 से इसको कैंसिल करूंगा 2 टाइम्स, कितना बच रहा है तो x इक्वल टू दी ये 2x है ना उधर, तो x इक्वल टू दी 8/2 इट मींस x की वैल्यू बेटा 4 आ जाएगी, यानी कि आयरन के एटम्स की जो नंबर है 4 आएगी, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। इस इंटीजर के लिए आंसर देंगे आप 04, ये था फर्स्ट इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा इंटीजर के लिए, रिडॉक्स का क्वेश्चन है और रिडॉक्स के क्वेश्चन के लिए 1 मोल ऑफ N2O4 लूजेस 14 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड X, अस्यूमिंग दैट द एंटायर नाइट्रोजन अपीयर इट द न्यू कंपाउंड, व्हाट इज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन X। ठीक है बेटा, सबसे पहले इक्वेशन देख लो आप, ये N2H4 है हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन अगर कन्वर्ट होगा तो 2 नाइट्रोजन आपको प्रोडक्ट में ऑब्टेन होगा, जिसको क्या कह रहा है वो X मान रहा है। इनिशियली N2O4 में जो नाइट्रोजन है बेटा, इस नाइट्रोजन का चार्ज सिंगल नाइट्रोजन में -2 होगा, सिंगल नाइट्रोजन में -2 होगा तो 2 नाइट्रोजन पे कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, और इधर जो नाइट्रोजन जाएंगे उसमें सपोज करो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, स्मॉल एन आ रही है, वो आप चेक कर लें कितने इलेक्ट्रॉन चेक कर रहा है, तो 1 मोल ही है। ठीक है 1 मोल है, 14 मोल इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, रिलीज कर रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो क्या होता है पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, तो -4 प्लस 14 पॉजिटिव, तो नेट चार्ज क्या जाएगा 14 -4 10 आ जाएगा, तो प्लस का 10 आ रहा है, तो प्लस का 10 2 नाइट्रोजन पे आ रहा है, अरे 2 नाइट्रोजन के एटम्स पे कितना है +10, तो सिंगल नाइट्रोजन एटम पे चार्ज मिलना चाहिए बेटा +5, यानी कि आपको नाइट्रोजन की जो ऑक्सीजन अवस्था है वो 5 मिलेगी, आंसर बिकम्स 05, इंटीजर का आंसर होगा 05। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट इंटीजर नंबर 3, ए प्लस एन ऑक्सीडेशन स्टेट है इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड KNO4 सॉल्यूशन इनटू AO3 माइनस, इफ 2.68 मोल्स of A plus N requires 32.16 liter, sorry, milliliter of 0.05 m acidified KNO4 solution for complete oxidation. Value of N पूछ रहा है, क्या करेंगे? Acidic medium है, equation बना लो, A plus N plus KNO4 और इसको oxidize करेगा, medium acidic है तो Mn plus 2 में जाएगा ये, और A plus N oxidize जो कि किस में जा रहा है? AO3 negative में जा रहा है। यहां पे A पे चार्ज होगा बेटा +5, यहां N से +5 चला गया, ठीक है, यहां +7 में है और +2 में जा रहा है, तो 7 से 2 जा रहा है तो 5 यूनिट का चेंज होगा, यहां से इसका वैलेंस पेट्रो तो KNO4 का कितना आ गया 5, और यहां इसका वैलेंस पेट्रो होगा 5 माइनस N, नेट चेंज आ गया। अब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल कर दो बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ A प्लस N इज इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KNO4, और क्या करेंगे मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर, आपको दे क्या रखा है 2.68 मोल्स, 2.68 मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर कितना रहा है A प्लस N का 5 माइनस N, व्हिच इज इक्वल टू द KNO4 के लिए क्या दे रखा है, KNO4 के लिए मोलरिटी दे रखी है 0.05, वैलेंस फैक्टर कितना है KNO4 का 5, और वॉल्यूम कितना है ये दे रखा है आपको 32.16 मिलीलीटर में है, तो क्या करें लीटर में कन्वर्ट कर लें और यहां से N की वैल्यू फाइंड कर लें बेटा, जो N की वैल्यू वही आपका आंसर है बेटा। ठीक है आगे चलते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, AO2 डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू AO4 माइनस एंड A प्लस N, यानी कि इक्वेशन क्या हो रहा है AO2 जा रहा है, एक तो बना रहा है AO4 माइनस और एक बना रहा है A प्लस N। ठीक है बेटा, तो यहां डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, इसमें चार्ज क्या है +4, इसमें चार्ज कितना है +7, तो 4 से 7 पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, यहां 4 से N यानी कि ये तो ऑक्सीडेशन है तो ये रिडक्शन होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन है, ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन, रिडक्शन में चार्ज डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो क्या डिफरेंस देखेंगे 4 माइनस N,
ये चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। क्या करेंगे, मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर इक्वल टू मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर कर दो, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ रिडक्शन कर दो, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल करेंगे तो फर्स्ट के मोल्स कितने दे रखे हैं, फर्स्ट में 2 इनटू वैलेंस फैक्टर कितना है, फर्स्ट में ऑक्सीडेशन में वैलेंस फैक्टर कितना है 3, और इधर मोल्स कितने 3 और वैलेंस फैक्टर कितना है 4 माइनस n, यहां से n की वैल्यू फाइंड कर लें 2 आएगी, वही आपका आंसर है बेटा। ठीक है आगे चलें, नेक्स्ट इंटीजर है बेटा मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, इन गैसेस मिक्सचर मीथेन एंड प्रोपेन, सॉरी C3H6 दिया हुआ है, प्रोपेन है, आर प्रेजेंट व्हेन दिस गैसेस मिक्सचर अंडरगो क्रैकिंग इनटू कार्बन सॉलिड एंड हाइड्रोजन, द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, किसकी मोल दे रखे हैं, हाइड्रोजन के मोल दिए, ध्यान रखें मिक्सचर के मोल नहीं है, इफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द इनिशियल गैस मिक्सचर एट 1.5 kdm एंड 27 डिग्री सेल्सियस 246 लीटर, व्हाट इज द मोल परसेंटेज ऑफ मीथेन इन द इनिशियल गैस मिक्सचर, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। तो सबसे पहले आप आइडियल गैस इक्वेशन लाए, Pb = nRT, यहां से टोटल मोल्स निकाल लें इनिशियली, तो P कितना है, प्रेशर दे रखा 1.5, वॉल्यूम कितना है 246 लीटर में ही है, मोल्स फाइंड करने R की वैल्यू लेंगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल इनटू केल्विन, और टेम्परेचर को केल्विन में लिखेंगे तो 300 केल्विन, यहां से इनिशियल मोल्स निकाल लें एंड टोटल, टोटल मोल्स आ जाएंगे तो दोनों के डिकम्पोजिशन की रिएक्शन लिख लेंगे, C4 ये CH4 गैस डिकम्पोज होगा कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गैस इस तरह से, और C3H6 को डिकम्पोज करेंगे ये बनेगा 3 कार्बन सॉलिड प्लस 3H2 गैस इस तरह डिकम्पोज होगा। अब इसके तुमको टोटल मोल्स दे रखे बेटा, हाइड्रोजन के टोटल मोल्स दे रखे, तो यहां से जो n टोटल आएगा, n टोटल में से एक को तो मान लेना क्या, कुल मोल मान के चलो 10 आ रहा है, तो एक को x मान लेंगे दूसरे को n टोटल माइनस x मान लेंगे, सपोज करो इसका x मोल है तो ये कितना हो जाएगा n टोटल माइनस x, यहां से ये कितना बनेगा हाइड्रोजन, स्टेबिलिटी 2 है ना, तो ये 2x बनेगा हाइड्रोजन फर्स्ट रिएक्शन से, और दूसरी रिएक्शन से हाइड्रोजन बनेगा 3 स्टेबिलिटी यहां पे, तो 3 * n टोटल माइनस x ये हाइड्रोजन मिल जाएगा यहां पर, 3 * स्टेबिलिटी 3 है ना, तो 3 * n टोटल माइनस x इसके मूल मान रखे अपन ने, दोनों को जोड़ देंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे 2x प्लस 3 * n टोटल माइनस x, जो कि हाइड्रोजन के कुल मोल दे रखे हैं यहां पे 42, यहां से इस इक्वेशन से आप x की वैल्यू फाइंड कर लें, जैसे ही आपको x की वैल्यू मिलेगी वही आपको मीथेन के इनिशियल मिक्सचर में मोल्स की वैल्यू आ जाएगी, तो जैसे ही आप इस x की वैल्यू निकालेंगे उस x की वैल्यू को n टोटल से डिवाइड करके परसेंटेज पूछ रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपको परसेंटेज ऑफ CH4 आ जाएगा, खत्म, बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे देखें, ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है बेटा, ये थे बेटा सारे क्वेश्चंस, ये था जेईई एडवांस के पेपर का सॉल्यूशन, ये अपन ने कंप्लीट मेंस और एडवांस के पेपर का सॉल्यूशन देखा है, ठीक बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड मॉर्निंग। आज हम केएम जेईई का एडवांस का पेपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है बेटा, चलो देखो ये वाला प्रॉब्लम दे रखा है, ध्यान दे बेटा, इसमें क्या कह रहा है कि निम्न कार्बोकैटायन को सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित करिए, आपको कार्बोकैटायन का स्थायित्व चेक करना है, राइट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है ना, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक कैसे करते हैं, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम से कम होना चाहिए, और अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा इसका मतलब क्या होगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी ज़्यादा, ठीक है, ये देखो CH2 पॉजिटिव मेटा पोजीशन पर आ रहा है, और दोनों मेटा पोजीशन पर आ रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आई शो करेगा, ठीक है ना, NO2 यहाँ पे क्या आ रहा है, मेटा पोजीशन पर आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस आई शो होगा, यहाँ पे तीनों NO2 क्या आ रहा है, मेटा सॉरी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में माइनस एम एंड माइनस आई दोनों प्रभाव प्रदर्शित होगा, एंड यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे प्लस एम गर्दन क्या आएगा, माइनस आएगा, तो ऑल ओवर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और अगर ऑल ओवर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर लेगा, क्योंकि देने वाला ग्रुप क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को कम कर लेगा, और पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा वो आपके पास कौन सा होगा, फोर्थ वाला स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर नंबर फर्स्ट नहीं हो सकता, सेकंड नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता, तो अपने पास आंसर कौन सा, फोर्थ वाला
आ जाएगा। फिर भी इन तीनों में अगर आपको चेक करना है तो देखो, आप देखो इसमें माइनस आई और माइनस आई दो जगह पे आ रहे, जबकि इसमें माइनस आई तीन जगह पे आ रहे, और तीन जगह पे आ रहे इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ज्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, बढ़ा देगा, और चार्ज बढ़ेगा तो इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो थर्ड विल बी लेस स्टेबल देन सेकंड, थर्ड वाला जो है वो सेकंड के मुकाबले में क्या होता है, लेस स्टेबल, मतलब सेकंड की स्टेबिलिटी थर्ड से क्या होगी, ज्यादा। अच्छा, इन दोनों में माइनस आई इफेक्ट OH और NO2 में माइनस आई इफेक्ट NO2 का ज्यादा होता है, और माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, इसका मतलब मोर स्टेबल फर्स्ट वाला। तो इसलिए आपके पास ऑर्डर कौन सा आएगा, फोर्थ वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते। यस, ये वाला प्रॉब्लम है, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है ना, आपको बेसिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताना है। देखो बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि RNH2, अगर आपके पास RNH2 दे रखा है, ठीक है ना, दूसरा आपके पास एलिफैटिक, आपके पास एरोमेटिक अमीन दे रखा है, और तीसरा आपके पास RC डबल बॉन्ड O NH2 दे रखा है, ठीक है ना। ये वाला जो है आपके पास कौन सा है बताइए, ये वाला एलिफैटिक अमीन है, ये वाला आपके पास एरोमेटिक अमीन है, जबकि ये वाला क्या है, एमाइड है। ये वाले में ये वाला रेजोनेंस में आएगा, ठीक है ना, इसमें ये दोनों आपके पास क्या होगा, ये रेजोनेंस में आएगा, ठीक है ना। तो रेजोनेंस में आएगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, जबकि ये वाला क्या कर रहा है, प्लस आई शो कर रहा है, और प्लस आई शो करने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है एलिफैटिक का ज़्यादा होता है एरोमेटिक से, एरोमेटिक का अमाइड से ज़्यादा होता है, एंड अमाइड का कम इसलिए होता है क्योंकि रेजोनेंस में आएगा, रेजोनेंस में ये भी आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जबकि यहाँ पे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, इस वजह से इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा विड्रॉ करेगा, इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। अब देखो इन चार ऑप्शन को देखिए, सबसे पहले ये वाला एमाइड वाला ग्रुप है, ये वाला एमाइड वाला ग्रुप है, ठीक है ना, देखा जाए, और यहाँ पे भी आपके पास क्या रहा है, एमाइड वाला ग्रुप आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपके पास एरोमेटिक अमीन आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला आपके पास क्या है, एलिफैटिक अमीन है, एलिफैटिक अमीन का मतलब ये रेजोनेंस में नहीं आ रहा, जबकि ये वाला आपके पास क्या आ रहा है, रेजोनेंस में आ रहा है। तो एलिफैटिक अमीन की जो बेसिक कैरेक्टर है वो एरोमेटिक अमीन से क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब थर्ड का आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो आंसर फर्स्ट नहीं हो सकता, आंसर आपके पास सेकेंड नहीं हो सकता, बच्चा कौन सा, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना। अब इनमें थर्ड का सबसे ज़्यादा ये तय हो चुका है। अब देखिए ये वाला आपके पास क्या है बताइए, ये वाला आपके पास क्या है, ये वाला जो है आपके पास एरोमेटिक अमीन है, जबकि ये वाला क्या है, एमाइड, और ये भी एमाइड है। तो जाहिर सी बात है आपके पास ये बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो एरोमेटिक अमीन का क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो मतलब उसके बाद में कौन सा आएगा, फोर्थ। तो मतलब आंसर ये वाला थर्ड वाला नहीं हो सकता, तो आंसर कौन सा जाएगा बड़ा, फोर्थ वाला चला जाएगा। ठीक है बड़ा, चलो नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते भाई, देखो आपको नाम लिखना है, ठीक है ना, आईपीएस नेम लिखना है, ठीक है ना। तो जब आप नंबरिंग करोगे तो यहां से नंबरिंग हो जाएगी, वन टू मेजर फंक्शनल ग्रुप ओ एच है, वन टू थ्री फोर फाइव, और यहाँ पे क्या आएगा, सिक्स, ये वाला क्या है, मरकैप्टो है, ठीक है ना। तो सिक्स पे क्या आएगा, मरकैप्टो, फिर बाद में क्या आएगा, सिक्स पे मरकैप्टो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, फिर बाद में साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स, फोर पे क्या आएगा, इन, और वन और थ्री पे आपके पास क्या आएगा, डायोल। तो इसका आंसर कौन सा आएगा बेटा, फर्स्ट वाला आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते, नेक्स्ट देखिए। चलो, विच ऑफ द मोस्ट स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा स्थायी कार्बोकैटायन कैसे है, ठीक है। तो अगर इस कार्बोकैटायन में कहीं पे अगर लोन पेयर की वजह से अगर स्टेबलाइज हो जाता है, जाहिर सी बात है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो उस कार्बोकैटायन को हम क्या मानते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल मानते हैं, ठीक है। चलो, ये वाला कार्बोकैटायन रेजोनेंस में आ रहा है, लेकिन इसके लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में नहीं आ रहा, ठीक है। ये वाला रेजोनेंस में आ ही नहीं रहा है, ठीक है। ये वाला रेजोनेंस में आ रहा है, लेकिन OH के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में नहीं आ रहा है। अब इसको देखें तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये रेजोनेंस में आएगा, और रेजोनेंस में आएगा तो इस कार्बोकैटायन को क्या करेगा, ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा, और ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा तो ऑक्टेट जिसका कंप्लीट होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसके केस में एक ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आपके पास कौन सा होगा, फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे चलिए, नेक्स्ट चलिए भाई। अब देखो ये पैराग्राफ्स की प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। हाँ, ये पैराग्राफ्स क्या दे रखा है, देखिए, आइसोमर्स दैट हैव द सेम स्केलेटन बट डिफर फ्रॉम ईच अदर विद द रिलेटिव पोजीशन ऑफ सम एटम्स इन थ्री डायमेंशनल। तो ये बता रहा है कि कॉन्फॉर्मस
कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स क्या है उसके बारे में बता रखा है, तो आपने पढ़ रखा है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद में आगे चलते हैं, ये वाला प्रॉब्लम ये वाला दे रखा है। देखो भाई प्रॉब्लम क्या दे रखा है, जरा ध्यान से देना। यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोजेक्शन अबाउट द ए, आपको ए एंड बी के बी के रिगार्डिंग देखना, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा ढंग से देखो आप, देखे ये वाले जो है वो कौन सा प्रोजेक्शन है, बेसिकली आप ऐसा देखोगे तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ठीक है ना। तो इसके अंदर सी एल के ऑपोजिट में क्या है बेटा, सी एल आ रहा है, सी टू एस सिक्स के ऑपोजिट में सी टू एस सिक्स आ रहा है, और एच के ऑपोजिट में एच आ रहा है। तो इसका मतलब बीच में जब ऑपोजिट में होंगे तो बीच में आपके पास क्या आएगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगी, और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री आती है तो इसका मतलब ये वाला क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो फर्स्ट वाला जो होगा बेटा क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्टिकली एक्टिव, ये वाला ऑप्शन आपका सेकंड वाला कभी भी नहीं हो सकता, क्यों, सेकंड में क्या है बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव कह रहा है जबकि फर्स्ट वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। अच्छा ओनली ए इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ए तो ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव। चलो सेकंड के बारे में देखते हैं, सेकंड आपके पास कौन सी है, सीएल के सामने सीएलआर, मतलब ये जो फॉर्म है वो आपके पास कौन सी फॉर्म दे रही है, एक्लिप फॉर्म दे रखी है, और अगर एक्लिप फॉर्म दे रखी है तो यहाँ पे सीएल के सामने सीएल आ रहा है, लेकिन सी टू एच फाइव के सामने आपके पास क्या आ रहा है, एच आ रहा है, और सी टू एच फाइव के सामने आपके पास क्या, सी सी एच फाइव के सामने क्या आ रहा है, एच आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो अगर आप इसकी स्टेगर्ड फॉर्म लेते हो तो स्टेगर्ड फॉर्म के अंदर आपके पास क्या नहीं होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री वैसे नहीं होगी, और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंसिडर होगा। तो अगेन मेरी बात को ध्यान से सुने कि यहाँ पे सी एल के सामने सी एल आ रहा है, सी सी एच फाइव के सामने एच आ रहा है, सी सी एच फाइव के सामने क्या रहा है, एच आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी भी हालत में नहीं हो पाई, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर प्लेन लेके देखते हो तो इसकी मिरर इमेज किसी भी हालत नहीं होगी, भले ही सी एल की मिरर इमेज सी एल हो लेकिन इसकी मिरर इमेज ये नहीं हो सकती, इसकी मिरर इमेज ये नहीं हो सकती, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। और अगर इसको आप रोटेट करके देखोगे तो इसका मतलब यहाँ पे इसके जस्ट ऑपोजिट में आपके पास क्या नहीं आ पाएगी, स्टेगर्ड फॉर्म में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ पाएगी, और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ पाएगी तो ये किसी भी हालत में ऑप्टिकली इनएक्टिव कंसिडर नहीं होगा। तो फर्स्ट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड सेकंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, तो आपके पास ऑप्शन कौन सा, ओनली बी इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो इसका आंसर जो आएगा कौन सा है बड़ा, फोर्थ वाला आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला चलते, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते। तो अपने पास अगला जो प्रॉब्लम है ये हमने कर चुके थे, थर्ड प्रॉब्लम, फोर्थ भी कर लिया था। चलो कॉन्फॉर्मेशन में ये वाला प्रॉब्लम कर लिया था, 13 वाला, ठीक है। अब देखो 14 वाला क्या कह रहा है, चेयर फॉर्म दे रखी कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है बड़ा। तो कार्बोहाइड्रेट की चेयर फॉर्म में आपको क्या बताना है, एक्सेल पोजीशन बतानी है, ठीक है ना। कौन सा एक्सेल होगा, कौन सा OH इक्विटोरियल होगा, ऑप्शन में जैसे दे रखा है, ठीक है ना। तो देखो ये वाला OH है, अगर ये वाला एक्सेल होता है, ठीक है ना, तो ध्यान दे ये वाला आपके पास कौन सा होता है, इक्विटोरियल होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर की तरफ अगला वाला कौन सा होगा, ये एक्सेल होगा, ठीक है ना, और नीचे वाला क्या होगा, इक्विटोरियल होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला क्या होता है, एक्सेल होता है, ठीक है। तो ये और ये वाला क्या होगा, इक्विटोरियल हो जाएगा, ठीक है बड़ा। और ये वाला आपके पास क्या होगा, एक्सेल होगा हाइड्रोजन, और ये वाला आपके पास क्या होगा, इक्विटोरियल हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, OH ग्रुप C1 C2 एंड C4 का देखिए, ये C1 है C2 है, तो C1 एंड C2 ध्यान दे, C1 तो एक्सेल है लेकिन C2 एक्सेल नहीं है, तो आंसर वाला फर्स्ट नहीं हो सकता। C1 जो है एक्सेल है, C2 भी तो क्या है, C2 का OH के बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में नहीं पूछ रहा हाइड्रोजन के बारे में, OH के बारे में। तो OH जो है वो तो क्या है, इक्विटोरियल है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, एक्सेल चाहिए, तो ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए, OH ग्रुप एट C1 एंड C2 आर एक्सेल, तो C1 वाला जो OH है ये तो एक्सेल है जबकि ये वाला क्या है, इक्विटोरियल है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट में क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर बाद में C1 एंड C4 आर एक्सेल, ठीक है ना। C1 एंड C4 देखिए, ये C1 वाला OH है और ये C4 वाला OH, ठीक है ना। C1 एंड C4 वाला ये भी एक्सेल है, सॉरी ये वाला आपके पास इक्विटोरियल भाई, और ये वाला क्या एक्सेल है, ऐसे जो होता है जस्ट इसके अलोंग में वर्टिकल जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक्सेल होता है, ठीक है ना। तो ये वाला एक्सेल है, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसमें ऑप्शन जो आएगा वो कौन सा आएगा, थर्ड वाला आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाते हैं। यस, पैराग्राफ 4 दे रखा है, मेनी मॉलिक्यूल्स हैव मोर देन वन कायरल सेंटर इफ द नंबर ऑफ सेंटर, तो ये आपको पता है कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैसे निकालते हैं, जल्दी जो फॉर्मुला होता है 2n का फॉर्मुला होता है अगर अनसिमेट्रिकल दे रखा हो, ठीक है ना। सिमेट्रिकल के केस में फॉर्मुला आपके पास दो केसेस बन जाते हैं, जब n की वैल्यू इवन हो और n की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी हो, ऑड में दे रखी हो, ठीक है। इस कंडीशन में क्या करना है, पहले प्रॉब्लम पे जाते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ए तथा बी विवरिम समावयव के युग्म है। एक सेकंड वापिस बैक में जाते हैं, अब यहाँ पे बैक में एक सेकंड, यस ये वाला दे रखा है कि ए एंड बी आर पेयर ऑफ डाइस्टीरोमर्स, ठीक है ना। आपके पास प्रॉब्लम क्या दे रखी है, ए एंड बी जो है वो डाइस्टीरोमर के पेयर है, ठीक है ना। डाइस्टीरोमर का मतलब क्या होगा, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं हो सकती, ठीक है। चलो
इसके अंदर देखते हैं, देर आर रिप्रेजेंटेड बाय फिजर प्रोजेक्शन, ठीक है ना। तो आपको ये बताना कि चार ऑप्शन दे रखे इसमें, फिजर प्रोजेक्शन किसका क्या क्या हो सकता है। तो वैसे तो एग्जैक्टली तो हम आरएस कॉन्फिगरेशन निकालते, लेकिन हम एक जनरल आइडिया जरूर ले सकते कि कौन कौन से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते, उसके बेस पे भी हम कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये जो दे रखी आपके पास, देखो सीएस थ्री प्लेन वाले जो है ना वो अपोजिट में आ रहे, ठीक है ना। और अगर प्लेन वाले ऑपोजिट में आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाली जो फॉर्म होगी वो आपके पास कौन सी फॉर्म होगी, एक तरह से स्टेगर्ड फॉर्म होगी। और यहाँ पे भी आपके पास क्या होगी, स्टेगर्ड फॉर्म होगी, ठीक है ना, स्टेगर्ड फॉर्म होगी। ये वाली फॉर्म भी क्या होगी, स्टेगर्ड होगी, ऑपोजिट में आ रहा है, ठीक है ना। अब जब आप रोटेट करोगे ना तो जो ऑपोजिट में हो रहे वो तो जस्ट फिजर प्रोजेक्शन के अंदर जब रोटेट करते हो तो फिजर प्रोजेक्शन के अंदर आमने सामने आ जाते, ठीक है ना। तो सी एस थ्री के ऑपोजिट में जो सी एस थ्री आ रहा है बेटा, ठीक है ना, तो सी एस थ्री के ऑपोजिट में यहाँ पे सी एस थ्री आमने सामने हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इस सी एल के ऑपोजिट में कौन सा आ रहा है, सी एल के ऑपोजिट में बी आर आ रहा है, ठीक है ना। तो सी एल के ऑपोजिट में बी आर आ रहा है तो वो आमने सामने हो जाना चाहिए। तो सी एल के ऑपोजिट में बी आर है वो आमने सामने आ रहा है क्या, आमने सामने नहीं आ रहा है यहाँ सी एल, तो ये वाला ऑप्शन आपके पास क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। सेकंड देखते हैं, सी एल के सामने क्या आ रहा है, बी आर आ रहा है, आ रहा है, ये हो सकता है, ठीक है ना। फिर भी अगले वाले प्रॉब्लम को देखते हैं, इसके दूसरे वाले पार्ट को, इसमें सी एल के सामने बी आर आ सकता है, ये वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है ना। अब देखिए इसका सेकंड वाले ऑप्शन को देखिए, सेकंड में सी एस थ्री के ऑपोजिट में सी एस थ्री आ रहा है, नो डाउट। अब यहाँ पे सी एल के ऑपोजिट में क्या आ रहा है, एच आ रहा है, तो सी एल के ऑपोजिट में एच आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों आमने सामने होंगे और आमने सामने इसमें आ रहे, जबकि यहाँ पे आपके पास क्या आ रहे, आमने सामने आ ऑपोजिट में आ रहे, और ऑपोजिट मतलब थर्ड वाला नहीं हो सकता, फर्स्ट वाला नहीं हो सकता, तो इसलिए आंसर कौन सा आएगा इसका, सेकंड वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट चलते, चलो फिर बाद में ये क्या कह रहा है, 16 वाला, द पेयर ऑफ ए एंड बी रिप्रेजेंट, ए एंड बी क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो देखो ये वाला जो कार्बन है, आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा, सॉरी बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा, तो ये एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्फिगरेशन सेम है, यहाँ पे भी कॉन्फिगरेशन सेम है, यहाँ पे भी सब जगह सेम है, केवल इस जगह पे कॉन्फिगरेशन डिफरेंट आ रहा है, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एनोमर्स, ठीक है ना। तो एनोमर्स का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दे, एनोमर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, डाइस्टीमर होते हैं, ठीक है ना। तो एनोमर्स आर डाइस्टीमर, इसलिए आंसर कौन सा आएगा, फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलो पैराग्राफ फाइव हो गया, सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी के फिजिकल वाले प्रॉब्लम सर ने करा दिए आपको, केवल और केवल ऑर्गनी वाले प्रॉब्लम करवा देता हूँ मैं, ठीक है ना। ये भी फिजिकल के प्रॉब्लम है, ये भी फिजिकल का प्रॉब्लम बेटा, यस। इसको देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, आपके पास ये वाला कंपाउंड दे रखा है, सिक्स वाला प्रॉब्लम देखिए, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर देखा जाए ना, ये वाला रेजोनेंस में आ रहा है, ठीक है ना, जबकि ये वाला ओएच रेजोनेंस में नहीं आ रहा, तो दोनों की रिएक्टिविटी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। और अगर दोनों की रिएक्टिविटी डिफरेंट आएगी तो इसका मतलब एक दूसरे के क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर। तो ए एंड बी दीज आर फंक्शनल आइसोमर, मतलब ये वाली बात सही है, ठीक है ना। फिर बाद में सी एंड डी के बारे में क्या ख्याल है, सी एंड डी, सी एंड डी, तो ये भी इथर है और ये भी इथर है, लेकिन दोनों इथर के बीच में आपके पास क्या है, दोनों तरफ ग्रुप आपके पास डिफरेंट आ रहे, तो डिफरेंट आ रहे एक दूसरे के क्या होंगे, मेटामर होंगे, तो मतलब सेकंड वाली बात भी क्या है, सही। बी एंड डी, बी एंड डी में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम आ ही रहा है अपने पास, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, लेकिन इसमें एल्कोहल है, इसमें क्या ईथर है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास बी एंड डी एक दूसरे के क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर है, सही बात है, ठीक है ना। सी एंड डी, सी एंड डी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है क्या, सी एंड डी एक दूसरे के क्या है, मेटामर है, तो आंसर नंबर फोर्थ वाला क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ध्यान दे, फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं, जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है बेटा। यस, देखिए यहां पे क्या कह रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिवन स्ट्रक्चर, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर दे रखे, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट रखना है, ठीक है, देखते। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर की अगर बात करें ना, तो ये वाला जो है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं आएगी और सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो ये वाला कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। दूसरे के बारे में देखो, ओएच के जस्ट, ये एक्लिव फॉर्म, ओएच के जस्ट सामने ओएच आ रहा है, सॉरी सी एस थ्री के सामने सी एस थ्री, ओएच के सामने ओएच, और एच के सामने एच आ रहा है, तो इसका मतलब इसके अगर मिरर में रखोगे ना, तो इसके यहाँ पे क्या आएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी,
तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी तो ये वाला कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, चलो ये वाला देखो, यहाँ पे सी एस थ्री का ऑपोजिट में क्या रहा है, सी एस थ्री आ रहा है, और ओ एच के ऑपोजिट में क्या रहा है, ओ एच, और एच के ऑपोजिट में एच, मतलब सी एच थ्री के ऑपोजिट में सी एस थ्री, ओ एच के ऑपोजिट में ओ एच, और एच के ऑपोजिट में, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास क्या आएगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगी तो इसका मतलब ये वाला कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, चल ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ओ ए इज ऑप्टिकली एक्टिव, ए ऑप्टिकली एक्टिव है, एंड बी एंड सी आर ऑप्टिकली एक्टिव, फर्स्ट स्टेटमेंट सरासर सही है। ठीक है, सेकंड एक, ए हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री, ए सेंटर, गलत बात, ए सेंटर ऑफ सिमेट्री रखता तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव होता ही नहीं। ठीक है ना, ए एंड सी आर सेंटर ऑफ सिमेट्री, ए एंड सी जो है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रखता है, और अगर ए अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री रखता तो इसका मतलब क्या होता कि वहाँ पे आपके पास क्या नहीं होता, अगर ए को सेंटर ऑफ सिमेट्री रखाते तो इस कंडीशन में आपके पास क्या ए जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो पाता कि नहीं, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट सही बेटा। चलो इसका फोर्थ देखिए, ए एंड बी, ए बी सी आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है ना, ए बी सी ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्या, नहीं, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव जो है वो केवल कौन सा है, ए है, एंड बाकी दोनों ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। ठीक है बेटा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। चलो अगला प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है भाई, आपको क्या पूछा गया है कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पूछा गया। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिए भाई कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में जाता है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस में जाता है तो रिएक्शन खुशी खुशी हो जाएगी, आराम से फिजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो HCl एंड आपके पास ये वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड बेस रिएक्शन में ध्यान दी, ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वाला वीक एसिड है, तो आराम से रिएक्शन हो जाएगी, खुशी खुशी हो जाएगी। ठीक है, चलो दूसरी बात पूछे कि यहाँ पे आपके पास क्या रहे, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, और यहाँ पे आपके पास क्या है, SO3H, ये स्ट्रॉन्ग एसिड ये वीक एसिड, तो ये भी रिएक्शन आराम से हो जाएगी। ठीक है ना, आपके पास तीसरा ये फिनॉल दे रखा है, ठीक है ना, ये वाला है, लेकिन टर्मिनल एल्केन और फिनॉल में एसिडिक ज्यादा कौन सा होता है, आपके पास फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, और फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है ना, और टर्मिनल एल्केन और अमोनिया में ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है बताइए, टर्मिनल एल्केन वाला ज्यादा एसिडिक होता है, तो ये भी रिएक्शन आपके पास हो जाएगी। तो इसलिए आपको क्या पूछा, नॉट पॉसिबल पूछा है, तो नॉट पॉसिबल कौन सी होगी, आपके पास थर्ड वाली नॉट पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते। चलो नाइन्थ वाला प्रॉब्लम देखिए, ठीक है, नाइन्थ वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि स्टेटमेंट ट्रू करना है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट क्या है, सत्य है, तो रेजोनेंस इफेक्ट बॉन्ड लेंथ, जाहिर सी बात बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करता ही, जैसे कि अपने पास ये तो आपको पता ही, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, और यहाँ पे सी एल दे रखा, अगर ये रेजोनेंस में आएगा तो जाहिर सी बात ये वाला क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, और डबल बॉन्ड करेक्टर आने का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल अगर बॉन्ड लेंथ होती है तो उसके मुकाबले में आपके पास बॉन्ड लेंथ आपके पास क्या आएगी, डिफरेंट आएगी, तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो 100% क्या है, सही। फिर बाद में रिएक्शन विथ ये वाला कंपाउंड, जैसे दे रखा ये वाला कंपाउंड, ठीक है ना, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन है, ठीक है ना, अगर के एच ले तो के प्लस एच माइनस है, ठीक है ना, ये वाला माइनस क्या करता है, इसके एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और ये वाला माइनस इसके एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये आएगा। ठीक है ना, अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना आ रहे, दो दो चार दो छः, छः पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, तो इसका मतलब क्या होगा, एरोमेटिक, तो इसकी रिएक्शन कराओगे के एच के साथ तो क्या करता है, एरोमेटिक प्रोडक्ट देता है, ये वाली बात सही। ठीक है ना, फिर बाद में सी सी एल थ्री माइनस इज लेस स्टेबल देन दिस, ठीक है ना, सी सी एल थ्री माइनस जो है वो लेस स्टेबल, गलत बात है, क्यों, क्योंकि सी सी एल थ्री माइनस के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, वैकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस आ रहा है, यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये वाला नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में आएगा, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस वाला क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये वाली बात क्या है, गलत होगी। ठीक है ना, फिर बाद में क्या है, एन एस टू माइनस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, नहीं, सी एस थ्री माइनस जो होता है वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि सी एस थ्री माइनस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, आपके पास कम होती है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने का मतलब क्या हुआ कि वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन पर आराम से दे सकता है, फिर दूसरे पर इजीली अटैक कर सकता है, और जो दूसरे पर इजीली अटैक कर लाए तो इसका मतलब क्या होगा, वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कंसिडर किया जाता है, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट आपके पास क्या पूछा होगा, गलत होगा। आपको क्या पूछा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर कौन सा, फर्स्ट एंड सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा,
नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड आर नॉट ट्रू ऑर्डर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एम मिथॉक्सीफिनॉल, फिनॉल और पैरा मिथॉक्सीफिनॉल दे रखा। देखो आपके पास ये वाला फिनॉल है, जरा ध्यान देना ये फिनॉल है। मेटा पोजीशन पे आपके पास मैं क्या लेता हूँ, ओसीएस लेता हूँ। एक आपके पास क्या दे रखा बेटा, फिनॉल दे रखा है, फिनॉल दे रखा है, ठीक है ना। और तीसरा आपके पास पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल दे रखा है, ठीक है ना। सॉरी हाँ यस पैरा हाइड्रोक्सी, एक सेकेंड, इसको आप पैरा पोजिशन पे आपके पास पैरा मिथॉक्सी दे रखा। अब देखो इसमें तो केवल माइनस आई शो करेगा, ठीक है ना। इसमें आपके पास क्या करेगा, प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई शो करेगा। और प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई का मतलब क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर को घटाएगा, जबकि ये वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। मतलब ये वाली बात सही है, ठीक है ना, ये वाली बात सही है, ऑर्डर सही दे रखा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अपना। देखो फर्स्ट वाला ऑर्डर सही है, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या है, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऑर्थो पोजीशन पे बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप आ जाता है और अदर दे रखा हो तो इसके अंदर ऑर्थो इफेक्ट लगाना है। और अगर ऑर्थो इफेक्ट लगाओगे तो ऑर्थो पोजीशन वाले का एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, सबसे ज्यादा। तो ऑर्थो वाले का सबसे ज्यादा पैरा और मेटा के मुकाबले, पैरा में नाइट्रो वाला ग्रुप आ रहा है तो इसमें माइनस एम और माइनस आई दोनों शो करेगा, जबकि इसके अंदर केवल और केवल क्या करेगा, माइनस आई। तो माइनस एम और माइनस आई वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है वो एसिडिक कैरेक्टर क्या रखता है, ज्यादा रखता है। तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर भी आपके पास क्या है, सही है, ठीक है। थर्ड ऑर्डर देखिए एसिडिक कैरेक्टर का, देखो एच एफ का एसिडिक कैरेक्टर एच टू ओ से क्या होता है, ज्यादा होता है। उसके बाद में आपके पास क्या आता है, टर्मिनल एल्काइन आता है, और उसके बाद में जो होता है वो आपके पास क्या आता है, अमोनिया आता है, ठीक है ना। तो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर आपके पास ये वाला होगा, तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। फोर्थ वाला देखो, मेटा बेंजोइक और दूसरा आपके पास पैरा हाइड्रोक्सी, मेटा हाइड्रोक्सी वाली बात करते हो, मेटा हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पे आपके पास क्या, बेंजोइक एसिड है और मेटा पोजीशन पे OH ग्रुप आ रहा है, जबकि पैरा पोजीशन पे आपके पास OH ग्रुप आ रहा है। पैरा पोजीशन पे देखो बेंजोइक एसिड है, पैरा, पैरा पोजीशन पे क्या करेगा, OH प्लस एम और प्लस आई शो करेगा। तो इसका मतलब इसका बेसिक एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होगा, जबकि मेटा पोजीशन पे क्या करेगा, केवल माइनस आई शो करेगा। तो इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। तो मतलब थर्ड वाला ये वाला स्टेटमेंट भी सही। तो आपके पास इनकरेक्ट पूछा है ना, तो इनकरेक्ट कौन सा आएगा, आपके पास थर्ड वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए आप, ये फिजिकल का प्रॉब्लम है, ये भी फिजिकल का, ट्वेल्थ वाला प्रॉब्लम फिजिकल का है, थर्टीन वाला भी फिजिकल का है, फोर्टीन वाला देखो कौन सा सही है, ठीक है ना। अब देखो इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला, आपको स्टेटमेंट देखना है कि कौन सा सही, ठीक है। तो एकदम सिंपल तरीके से देख लोगे, ये वाला तो टू डिग्री अमीन है, देखो ढंग से 2 डिग्री अमीन है, जबकि ये वाला कौन सा 3 डिग्री अमीन है। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो तो ध्यान रखिए 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट सही, ठीक है। सेकंड देखो, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या रहा है, इथर आ रहा है, सॉरी एस्टर आ रहा है, और इस जगह पे भी आपके पास क्या रहा है, एस्टर आ रहा है। दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन देखो, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 आ रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन सेम आ रहे हैं, लेकिन कार्बन चेन के अलोंग आपके पास दोनों तरफ एस्टर के अलोंग स्केल्टन आपके पास क्या आ रहे, डिफरेंट आ रहे हैं, और स्केल्टन डिफरेंट आएगा तो इसका मतलब एक दूसरे के क्या होंगे, मेटामर्स होंगे। तो मतलब सेकंड वाली बात आपके पास क्या है, सही। फिर बाद में क्या कर, दीज आर पोजीशन आइसोमर। तो देखो पोजीशन आइसोमर तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इसमें लॉन्गेस्ट चेन, पहले देखो एक 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन कौन सी लोगी, ये वाली ले लीजिए आप, इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन कौन सी लगी, ये वाली लेंगी। तो यहाँ पे इसमें 1 2 3 4 5 6 आ रही, 1 2 3 4 5 6 7 आ रही, तो ये दोनों चेन डिफरेंट आ रही, इसका मतलब एक दूसरे के क्या होंगे, चेन आइसोमर होंगे, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है कि C4H10 डज नॉट शो चेन आइसोमर, तो C4H10 के स्ट्रक्चर बनाइए, 1 2 3 और 4, ड्यू की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही, 0 आ रही, मतलब अल्केन होगा। और आपके पास दूसरा आपके पास क्या होगा, ये वाला होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर है, जबकि ये उल्टा कह रहा है कि चेन आइसोमर शो नहीं कर सकता। तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला दोनों स्टेटमेंट गलत होगा। तो आपको सही पूछा है ना, तो सही कौन सा होगा बेटा, सेकंड वाला आपके पास क्या होगा, सही वाला आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिपिक्ट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनन। आपको क्या बताना है, कार्बेनन की स्टेबिलिटी बढ़ाना है। कार्बेनन क्या करेगा, माइनस आई या फिर माइनस एम वाला ग्रुप जो है वो कार्बेनन को स्टेबलाइज कर लेगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये वाला तीनों तरफ से क्या आ रहा है, प्लस आई शो कर रहा है,
और प्लस आई वाला तो क्या करेगा, माइनस चार्ज को बढ़ाएगा, और चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। जबकि ये वाला क्या है, रेजोनेंस में आ रहा है, और रेजोनेंस में आ रहा है इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज कम होगा तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया। सेकंड नंबर पाइए, सेकंड नंबर के अंदर क्या है, तीन तरफ से आपके पास क्या है बड़ा, माइनस एम शो कर रहा है, तो ये इधर भी रेजोनेंस में जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, जबकि इसमें दो तरफ से रेजोनेंस में जाएगा, इसमें रेजोनेंस में जाएगा, लेकिन साथ ही साथ क्या आ रहा है, प्लस आई वाले ग्रुप आ रहे हैं, प्लस आई वाले ग्रुप क्या करते हैं एसिडिक कैरेक्टर को घटा देंगे, जबकि इसमें ए की तरफ से रेजोनेंस में आएगा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल हो, क्योंकि तीन तरफ से माइनस एम आ रहा है, जबकि इसमें दो तरफ से ही आ रहा है, जबकि इसमें आ तो रहा है दोनों तरफ से, लेकिन आपके पास साथ ही साथ क्या कर रहा है, सी एस थ्री प्लस आई शो कर रहा है, जबकि इसमें रेजोनेंस कम हो रहा है, इसका मतलब सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या होगा, सही। सेकंड देखिए, थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, NO2 में माइनस एम और माइनस आई क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सी ट्रिपल बॉन्ड एन के मुकाबले। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ ज्यादा करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ ज्यादा करने का मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, चार्ज कम तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। लेकिन यहाँ पे देखो थर्ड वाले एंड फोर्थ वाले डबल बॉन्ड पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से आपके पास थर्ड वाला स्टेटमेंट भी क्या होगा, सही होगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा गौर करने वाली बात क्या है कि ओ सी एस थ्री जो है इसमें प्लस एम ग्रेडियंट क्या होता है, माइनस आई होता है, जबकि NO2 के अंदर आपके पास क्या होता है, माइनस एम और माइनस आई होता है, माइनस एम और माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कर लेगा, इसके केस में इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो मतलब आपके पास क्या होगा, फोर्थ वाला स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। तो जो आंसर होगा आपके पास कौन सा होगा, सेकंड एंड थर्ड वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो आगे चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट वैसे फिजिकल का प्रॉब्लम है, तो फिजिकल का आपको सर ने प्रॉब्लम करा ही दिया, ये भी फिजिकल का प्रॉब्लम है, ये भी फिजिकल का है, नेक्स्ट फिजिकल का, ये भी फिजिकल का है। यस, देखो यहां पे क्या कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स विथ जीरो डाइपोल मोमेंट फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, आपको पूछा जीरो डाइपोल मोमेंट, यस वापस देखिए, द टोटल नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स विद द जीरो डाइपोल मोमेंट, मतलब आपको डाइपोल मोमेंट जीरो लाना है और उसके बाद में आपको पूरे के पूरे स्ट्रक्चर बनाने पड़े। तो पहले आप इसको देखिए, एक बार हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा कॉन्फिगरेशन, टोटल नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स विथ जीरो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जीरो लाना है, एक बार इसको देख लेते कि अगर मैं इसको यहां पे लेता तो फिर ये यहां पे आता और फिर ये यहां पे आता, चेक करें एक बार, यहां पे जरा ध्यान दीजिए, यहां पे सी एल है, जरा ध्यान दीजिए यहां पे बी आर है, यहां पे सी एस थ्री, ठीक है, और देखिए, और यहाँ पे जाहिर सी बात है अगर ये इधर की तरफ होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और इस जगह पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, सी एल आएगा, और इस जगह पे मैं आपके पास क्या लेता हूँ, बी आर लेता हूँ, ठीक है ना। और अगर फिजर प्रोजेक्शन के अंदर देखा जाए, फिजर प्रोजेक्शन के अंदर क्या होगा, देखो इसको रिप्रेजेंट करो, यहाँ पे सी एस थ्री के सामने क्या बड़ा, सी एस थ्री आ रहा है, एक बार देख लेती है, ठीक है ना, सी एल के सामने क्या आ रहा है, सी एल आ रहा है, ठीक है, या फिर न्यूमेन में रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, न्यूमेन में ले लेते एक बार, न्यूमेन के अंदर, तो न्यूमेन के अंदर लिखे लिखेंगे तो न्यूमेन प्रोजेक्शन के अंदर कैसे होगा कि पीछे वाले को तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ और आगे वाले को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए कि यहाँ पे देखो सी एल के जस्ट सामने क्या आ रहा है, सी एस थ्री, सी एल के जस्ट सामने सी एस थ्री आ रहा है, ठीक है ना, एंड सी एस थ्री के सामने आपके पास क्या आ रहा है, सी एस थ्री के सामने सी एल, सी एस थ्री के सामने क्या आ रहा है, सी एल, एंड बी आर के सामने आपके पास क्या आ रहा है, बी आर आ रहा है, तो बी आर के सामने आपके पास क्या आएगा, बी आर आएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको अगर रोटेट करता हूँ सी एस थ्री के जस्ट, यहाँ पे एक दूसरे को ये वाले कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है, और आप पास ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, जबकि ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब इसको रोटेट कराइए, अगर मैं रोटेट कराता हूँ तो सी एस थ्री के ऑपोजिट में अगर सी एस थ्री लेके आता हूँ, तो सी एस थ्री के ऑपोजिट में अगर मैं सी एस थ्री लेके आ जाता हूँ तो भी आपके पास क्या होगा, ये वाला जस्ट ऑपोजिट में नहीं आ पाएगा, और ऑपोजिट में नहीं आ पाएगा तो इसका मतलब कोई भी कॉन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं होगा जिसमें जीरो आपके पास क्या होगा, डाइपोल मोमेंट आएगा, तो इसका आंसर कौन सा है बड़ा, जीरो के बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते, आगे देखिए नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें शॉर्ट ट्रिक में आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि जीरो डाइपोल मोमेंट लाना है तो जाहिर सी बात है या तो आपके पास क्या होना चाहिए, मीजो कंपाउंड होना चाहिए, अदरवाइज मीजो कंपाउंड नहीं होता है तो उस समय जीरो कॉन्फॉर्मेंस वाले कोई भी सरोपण वहाँ पे पॉसिबल नहीं होते, तो ये वाला मीजो कंपाउंड कभी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकती, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकते तो मीजो कंपाउंड नहीं होगा, तो इसमें किसी भी कंडीशन में डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट देखिए सेवंथ वाला, यस अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्या है आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकाल, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि पॉसिबल ऑल स्टीरियो आइसोमर 3 क्लोरो 2 पेंटेनॉल,
ये वाला स्ट्रक्चर दे रखा है और 3-chloro-2-pentanol का स्ट्रक्चर, सभी त्रिविम वगैरह सबकी बतानी। तो पहले एक बार स्ट्रक्चर बता दीजिए। पेंटेनॉल, पेंटेनॉल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3 और 2 5। 2 पे OH आ रहा है, 2 पे ऑल आ रहा है, ठीक है ना। एंड 3 पे क्लोरो आ रहा है, 3 पे हमने क्या ले लिया, क्लोरो ले लिया, ठीक है। अब आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ त्रिविम। चलो देखते, ईन नहीं है एन है, तो इसका मतलब अल्कीन नहीं है अल्केन है। कायरल कार्बन जो आ रहे हैं वो आपके पास कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे। 2 कायरल कार्बन अनसिमेट्रिकल, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 2 इज इक्वल टू स्टीरियो आइसोमर जो आएंगे वो कितने आएंगे, 4 के बराबर। तो इसका मतलब इसके स्टीरियो आइसोमर जो आएंगे वो आपके पास कितने आएंगे, 4 के बराबर आएंगे। सेम केस अगर सेकंड वाले तो पॉसिबल ऑल द स्टीरियो आइसोमर 2-3-butan-diol। देखिए बेटा अगर मैं ये वाला लेता हूँ, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आपके पास CH3, देखो CH3 नहीं, यहाँ पे आपके पास OH दे रखा है। इसमें तो अपने पास कितने आए थे, 4 आ गए थे, तो 4 आंसर आ जाएगा। इसके अंदर देखिए ब्यूटेनॉल 1, 2, 3 and 4, ठीक है ना। 2 and 3 पे आपके पास OH आ रहा है। अब देखिए कायरल कार्बन कितना आ रहा है बड़ा, 2 आ रहे। 2 कायरल कार्बन ये क्या आ रहा है, सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल में n अगर इवन हो तो फॉर्मूले का, तो 2 की पावर n-1 + 2 की पावर n/2-1। तो टोटल स्टीरियोइसोमर के फॉर्मूले क्या है, 2 की पावर n-1 + 2 की पावर 2/2-1। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 1 + 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। 2 + 1 कितना होगा, आपके पास 3 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर कितना आएंगे आपके पास, 3 के बराबर। आपको वैल्यू किसकी पूछी है, x + y की वैल्यू पूछी, तो मतलब x + y की वैल्यू का मतलब क्या होगा, 4 + 3 = 7। तो इसका आंसर जो आएगा बड़ा कितना आएगा, 7 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते। यस, यहां पे देखो पॉसिबल कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, स्ट्रक्चर के लिए आपके पास कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं। जब तक आपके पास स्ट्रक्चर आप खुद बना नहीं पाओगे, तब तक आपको एग्जैक्टली नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आपको पता नहीं पड़ पाएंगे, ठीक है ना। आपको यहाँ पे एक फायदे वाली चीज दे दी कि कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, और कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है जिसका मतलब आपके पास स्ट्रक्चर जो बनाओगे वो केवल और केवल आपको क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए सबसे पहले बात करूं नंबर ऑफ कार्बन कितना लेना है, 1, 2, 3, 4 and 5 कार्बन लेना है, ठीक है ना। 1, 1, 2, 3, 4 and 5, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल कार्बन 5 दे रखा है, ठीक है ना। एक स्ट्रक्चर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें ब्रांचिंग करता हूँ। देखिए ब्रांचिंग कैसे करता हूँ, जरा ध्यान दे, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे हमने ब्रांचिंग। अब ये वाला जो ग्रुप है इसको यहाँ पे रिप्लेस कर लूँ, तो ये वाला ग्रुप को अगर मैं यहाँ से, टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर भी ब्रांचिंग कर, इसको इधर लाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर इधर लाओगे तो ये हमने पहले लेके आया। इसमें अगर ब्रांचिंग करता हूँ, देखो यस ये वाला आपके पास क्या आएगा, इस तरीके से आ जाएगा। देखिए इस तरीके से OH, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है बड़ा। आगे देखो और किसी टाइप की ब्रांचिंग कर सकते हो क्या, देखो इसमें यहाँ पे रखने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। इसको मैं अगर मैं इसको 2 इथाइल वाले ग्रुप को लेता हूँ तो भी ये कि ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी, तो इसका कोई मतलब का सौदा नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल आपके पास स्ट्रक्चर आइसोमर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे। अब देखो आपको क्या पूछा है, स्टीरियो आइसोमर्स पूछा है। स्टीरियो आइसोमर में अगर कोई ऑप्टिकल आइसोमरीज में शो कर रहा है तो आपको वो चेक करना पड़ेगा। देखो इसके अंदर कोई कायरल कार्बन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें ऑप्टिकल आइसोमरीज में शो नहीं होगा। इसमें ये वाला कायरल कार्बन नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमरीज में शो नहीं होगा। इसके अंदर ये वाला आपके पास कायरल कार्बन, और जाहिर सी बात है कायरल कार्बन आया तो इसका मिरर इमेज को भी कंसिडर करना पड़ेगा, और अगर मिरर इमेज को कंसिडर करोगे तो इसका मतलब आपके पास इसके 2 आइसोमर्स हो जाएंगे, और इसमें आपके पास कोई कायरल कार्बन नहीं है तो इसका 1 कंसिडर करना पड़ेगा। तो सेम इसका 1 1, तो 1 1 1 3 + 2 कितना आएगा, टोटल आपके पास आंसर कितना आएगा, 5 के बराबर आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट चलते आगे, चलिए यस ये फिजिकल केमिस्ट्री का प्रॉब्लम सर ने आपको करा दिया। यस हाउ मेनी स्टीरियोइसोमर कैन बी ऑप्टेड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजन बॉन्ड डबल बॉन्ड। ओहो क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्टीरियोइसोमर कैन बी ऑप्टेड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ बोथ डबल बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, आपको रिडक्शन कराना है, दोनों का कराना है भाई, एक का नहीं कराना है, ठीक है। चलो दोनों का रिडक्शन कराते हो, तो दोनों का अगर मैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन लेता हूँ तो इस कंडीशन के अंदर आपके पास क्या होता है, ये वाला आ जाता है। चलो एक बार देख लेते हैं, यस और ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 2 कायरल सेंटर जनरेट हो रहे हैं, ये दोनों, ठीक है। इसके अंदर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकते, देखो सबसे पहले तो ऐसा हो सकता है कि दोनों CH3 का जो ग्रुप है वो ऊपर की तरफ आए, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा, ऐसा कि एक CH3 ऊपर आए और एक CH3 आपके पास नीचे की तरफ आए, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या आ रही, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही, ठीक है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा,
जबकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ये ऑप्टिकली एक्टिव तो इसको दो बार कंसिडर करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे ऑप्टिकली एंट्री इसको एक बार ही कंसिडर करोगी, तो टोटल नंबर ऑफ आपके पास त्रिविम समावयवी प्राप्त होंगे वो कितने आएंगे? 3 के बराबर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो।